वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चों, दिस इज संतोष श्रीवास्तव फ्रॉम सुपर सिक्स टे अगेन। देर हैज बीन अ लॉन्ग टाइम एंड टुडे आई एम हियर अगेन एंड स्लोली विल गेट हैप्पीनेस आफ्टर डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी। तो आज जो मेरा सेगमेंट है वो सेगमेंट है सुपरफ्लुअस एग्जाम्पल्स। सुपरफ्लुअस एग्जाम्पल्स कहने से मेरा जो मतलब है वो इससे ये आपके कॉमन एरर्स के जो क्वेश्चंस दे जाते हैं या फिर जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस दे जाते हैं उनमें कुछ एक क्वेश्चंस सुपरफ्लुअस एग्जाम्पल्स के दे जाते हैं, यानी कुछ ऐसे शब्द रहेंगे या कोई एक ऐसा शब्द रहेगा जिसकी वहां पर आवश्यकता नहीं रहेगी, यानी इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा कि वहां पे वो एक्स्ट्रा वर्ड का काम करेगा जिसे आपको पहचानना होगा, इसे आइडेंटिफाई करना होगा और फिर उसे सॉर्ट आउट करके वहां से करेक्शन करना होगा या इंप्रूव करना होगा। तो आज इतने सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपके सामने लेकर हूं, जो मेरा डेली डोज का एक पोर्शन है, जो बच्चे पढ़े होंगे या पढ़ रहे होंगे उन बच्चों के पास निश्चित ही ये होगा जो डेली डोज शीट वन में मैंने दिया। तो मैंने कहा हुआ था कि डेली डोज की जो शीट होगी मैं धीरे धीरे उसे ऑनलाइन कर दूंगा, कोई भी बच्चा जो बेहतर प्रिपरेशन करना चाह रहा होगा वो बच्चा निश्चित ही इनसे एडवांटेज ले सकता है। तो देखते हैं सुपरफ्लुअस एग्जाम्पल्स क्या होते हैं और कैसे इन्हें हम दूर कर सकते हैं। ये पहला एग्जाम्पल है आपका सपोज इफ का, है ये सपोज इफ। आपके क्वेश्चन में सपोज और इफ दोनों को या सपोजिंग और इफ दोनों को एक साथ दे दिया जाए, आप तुरंत ध्यान रखें कि सपोज और इफ दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं, क्योंकि दोनों की जो मीनिंग होती है वो लगभग समान होती है। तो आपको करना क्या है, या तो आप सपोज का प्रयोग कर लीजिए या इफ का प्रयोग कर लीजिए, दोनों में से कोई एक प्रयोग कर लीजिए। अगर इसमें भी किसी बच्चे के मन में आए कहां पे सपोज और कहां पर इफ का प्रयोग करें, तो जहां पे सपोजिशन हो में काल्पनिकता हो वहां पे आप सपोज का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इफ का प्रयोग आप दोनों जगह पे कर सकते हैं, यानी जहां काल्पनिकता हो या काल्पनिकता न हो सामान्य अवस्था हो वहां पर भी, यानी हमारी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए इफ। फिर भी अगर सपोज इफ या सपोजिंग इफ दोनों दिया गया हो तो आप दोनों में से कोई एक चूज करें, या तो सपोजिंग या इफ, या तो सपोज या इफ का प्रयोग, ठीक है। नेक्स्ट आपका है रिटर्न बैक। आप सारे बच्चे जानते हैं रिटर्न मीन्स एक तरह से वापस होना या वापस करना होता है, और बैक का भी वही सेंस होता है, तो रिटर्न के साथ कभी भी बैक का प्रयोग न करें आप, तो केवल क्या लें आप रिटर्न ले, बैक हटा दें वहां से, ठीक है। हम इसके अभी एक्सरसाइज भी देखेंगे जो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि इसे तैयार करने के बाद जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो वो रियल एडवांटेज होगा आपका जो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका है रिसीड बैक। आप समझते होंगे जब समुद्र वगैरह का पानी किनारे पर आ जाता है और भी आगे आ जाता है तो फिर वो पानी धीरे धीरे वापस जाता है, बीच वगैरह पे आपने अक्सर देखा होगा, तो रिसीड के साथ बैक लगाए। रिसीड मीन्स ही होता है वापस जाना, देयर इज नो नीड टू यूज बैक, यानी केवल क्या ले लें हम रिसीड का प्रयोग कर लें, ठीक है। रिकॉल बैक भी वही चीज होता है, रिकॉल बैक जैसे किसी कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए फिर उससे पता चला वो प्रोडक्ट्स में कहीं कहीं फॉल्ट्स हैं, तो कंपनी उस उन प्रोडक्ट्स को रिकॉल कर लेती है यानी उन्हें वापस ले लेती है, तो रिकॉल मीन्स ही वापस ले लेना, तो व्हाट इज द नीड ऑफ बैक, कोई आवश्यकता नहीं इसके, केवल क्या ले लें हम रिकॉल का प्रयोग कर ले, न कि रिकॉल के साथ बैक लगाए। नेक्स्ट है रीइंबर्स। रीइंबर्स के साथ बैक लगाए। रीइंबर्स क्या होता है, जैसे किसी कर्मचारी ने बैंक एम्प्लॉय ने कहीं पे एम्बेजलमेंट किया मीन्स गबन किया, ठीक है, और फिर वो पैसे उससे वापस लिए जा रहे हैं, तो वो उसे रीइंबर्स कर रहा है, वापस कर रहा है,
यानी रीइंबर्स मींस ही वापस करना होता है, तो बैग की कोई आवश्यकता नहीं, केवल रीइंबर्स हो जाए। नेक्स्ट है रिट्रीट बैग। रिट्रीट क्या होता है, जैसे सेना जो है आर्मी वो आगे बढ़ रही है और अचानक उन्हें आदेश मिलता है कमांडर के द्वारा कि उन्हें वापस आना है, तो आर्मी क्या करेगी, रिट्रीट करेगी, या सेना को भय है कि आगे शत्रु मजबूत है तो सेना रिट्रीट करती है, यानी वापस आ रही है, पीछे आ रही है। तो अगर रिट्रीट मींस ही वापस आना या पीछे आना होता है, देन नो नीड टू यूज बैक, तो केवल क्या ले रहे हम, रिट्रीट का प्रयोग कर ले। नेक्स्ट है रिट्रैक्ट बैक। रिट्रैक्ट जैसे बिल्ली होती है ना, वो अपने पंजे क्या करती, खोले हुए और अचानक वो अपने पंजों को वापस खींच ले रही, बैक कर रही है, तो रिट्रैक्ट मींस ही वापस करना, वापस लेना होता है, तो बैक की कोई आवश्यकता नहीं है, तो यहां क्या हो जाएगा, केवल रिट्रैक्ट हो जाएगा। सेकंड लास्ट है विदड्रॉ बैक। आप समझते हैं, जब आप बैंक वगैरह में पैसे जमा करते हैं तो आप डिपॉजिट करते हैं, लेकिन जब पैसे निकालते हैं तो आप विदड्रॉ करते हैं। विदड्रॉ मींस ही होता है उन पैसों को आप क्या कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं, तो फिर वहां बैंक की कोई आवश्यकता नहीं है, तो केवल क्या ले लें आप, विदड्रॉ का प्रयोग कर लें आप। और लास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार अलग अलग प्रकार के एग्जाम्स में दिया गया, फ्लेड और फ्लेड के साथ अवे दिया गया। आप जानते हैं फ्लेड सेकेंड और थर्ड फॉर्म है फ्ली का, FLAA। फ्ली मीन्स होता है डर करके भाग जाना, दूर भाग जाना, और अवे मीन्स भी होता है दूर, इस सुपरफ्लुअस है, मीन्स सो देयर इज नो व्हाट यूज ऑफ दिस काइंड ऑफ वर्ड विद फ्लेड। तो फ्लेड के साथ मीन्स फ्ली के साथ अगर अवे का प्रयोग किया गया है तो अवे हटा दें, आप फ्लेड ले, अगर आपको अवे लेना है तो क्या ले रही है यहां पे, रन का, यानी रैन अवे या रन अवे हो जाएगा द बोस, यानी फ्लेड के साथ अवे का प्रयोग। ये वो सुपरफ्लुअस एग्जांपल्स हैं, फिर से एक बार जल्दी समराइज कर लेते हैं, अभी एक्सरसाइज करेंगे तो आपके काम आएगा। सपोज के साथ इफ लगा है तो दोनों में से या तो सपोज लें या इफ लें, सपोजिंग के साथ इफ लगा है तो या तो सपोजिंग लें या इफ लें, रिटर्न के साथ बैक लगा है तो केवल रिटर्न लें, रिसीट के साथ बैक लगा है तो रिसीट लें, रिकॉल के साथ बैक लगा है तो रिकॉल लें, रीइंबर्स के साथ बैक लगा है तो रीइंबर्स लें, रिट्रीट के साथ बैक लगा है तो रिट्रीट लें, रिट्रैक्ट के साथ बैक लगा है तो रिट्रैक्ट लें, विदड्रॉ के साथ बैक लगा है तो विदड्रॉ लें, और फ्लेड के साथ कभी भी अवे लेने की कोशिश न करें। ठीक है, अब इनको हम देखते हैं कि हमें एग्जाम्स में ये कैसे दिए जा सकते हैं। ये एक्सरसाइज हमारे सामने आ गई। ठीक है, माय ब्रदर डिड नॉट रिटर्न बैक, बिल्कुल इजी है ना, जैसे ही आपने देखा रिटर्न और बैक दोनों एक साथ है तो यहां बैक जो है वो क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा, क्या हो जाएगा, माय ब्रदर डिड नॉट रिटर्न माय मनी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है द वाटर ऑफ द रिवर रिसीडेड बैक आफ्टर द फ्लड, यानी बाढ़ आई हुई थी फिर पानी वापस हो गया। ठीक है, रिसीड के साथ क्या लगा है, देखिए बैक क्या लगेगा, रिसीड में ही से होता है वापस हो जाना, तो बैक की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, द कंपनी हैज रिकॉल्ड बैक मेनी बाइक्स ड्यू टू अ टेक्निकल फॉल्ट, है ना, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कंपनी बहुत सारी बाइक्स को वापस ले रही। ठीक है, तो ध्यान से देखें रिकॉल्ड के साथ क्या है, बैक लगेगा, रिकॉल्ड के साथ बैक की कोई आवश्यकता नहीं, खत्म। सपोज इफ, आगे बढ़े ही ना, जैसे आपने सपोज के साथ इफ देखा तो दोनों में से एक ले सकते हैं आप। ठीक है, अगर कोई सपोजिशनल सेंटेंस है तो आप सपोज को प्रीफर कर ले और नहीं तो इफ का प्रयोग कर ले। यहां पे है सपोज इफ यू डू नॉट गो देयर What will he do? Normal sentence है, तो आपकी preference क्या होनी चाहिए? If होनी चाहिए, suppose का प्रयोग नहीं करना चाहिए। Suppose if you do not go there, यदि आप वहां नहीं जाएंगे, what will he do? वह क्या करेगा? They have withdrawn back. जैसे आपने withdrawn और back
दोनों एक साथ देखा तुरंत समझ जाएं कि दोनों में से बैक नहीं रहेगा, केवल विड्रॉ होगा, जिसके मींस निकालना होता है। दे हैव विड्रॉन बैक द चार्जेस, यहां केवल विड्रॉन होगा तो दे हैव विड्रॉन द चार्जेस, चार्जेस में से यहां पे आरोप, उन्होंने आरोप क्या ले लिए हैं, वापस ले लिए। ओके ये आपके एग्जांपल्स हैं। सिक्स्थ, अ कैट कैन रिट्रैक्ट बैक, ठीक है, रिट्रैक्ट बैक, रिट्रैक्ट के साथ बैक की कोई आवश्यकता नहीं है, प्लस समझते हैं पंजों को कहते हैं। व्हेन द एनिमी अटैक्ड आवर ट्रूप्स, ट्रूप्स में सेना या सेना की टुकड़ियों को कहते हैं। व्हेन द एनिमी अटैक्ड आवर ट्रूप्स वर फोर्स्ड, हमारी जो सेना थी वो मजबूर हो गई टू रिट्रीट बैक, है ना, रिट्रीट खुद ही रिट्रीट है, बैक की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। दे हैड टू रीइंबर्स बैक, फिर से आ गए रीइंबर्स बैक, तो रीइंबर्स के साथ बैक की कोई आवश्यकता नहीं है। दे हैड टू रीइंबर्स ट्रेवल एक्सपेंसेस, यानी उन्हें जो यात्रा के खर्च थे उन्हें उन्हें रीइंबर्स करना पड़ा, मींस क्या करना पड़ा, वापस करना पड़ा। As soon as the thieves saw the police, जैसे चोरों ने पुलिस को देखा, they fled away. Fled के साथ आपने पढ़ा था, away का प्रयोग न करें आप, तो ये away हटा दो। And what would you like to do? आपको क्या करना अच्छा लगेगा? Supposing if, देखिए ध्यान से, supposing if, तो supposing के साथ if या if के साथ supposing की कोई आवश्यकता नहीं है, तो What would you like to do? आपको क्या करना अच्छा लगेगा? Supposing या if he does not come, यदि वह नहीं आता है। ये daily dose sheet 1 का पहला segment है, superfluous examples के रूप में। निश्चित ही आप अगर ऐसे regular इसे करते हैं तो आपको फायदा होगा। जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं या फिर मेरे से पढ़े हुए, उनके पास भी sheets होंगी, वहां से भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास वक्त है, आप ऑनलाइन देखना चाहते हैं, तो ऐसे भी आप इन्हें देख सकते हैं, मींस तैयार कर सकते हैं। मैं इसे कराता रहूंगा बीच बीच में, सेल रेगुलर करा दूं या बीच कराता रहूंगा, तो फिर आप इसका एडवांटेज ले सकते हैं। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे मेरे से कहते हैं सर आप जल्दी आइए, ऑनलाइन आइए। ये छोटा सा प्रयास है अभी अपने आप को चेक करने का, ये बोर्ड सही देखने सही चल रहा है कि नहीं, ये काम कर रहा है कि नहीं, इस वजह से, और आगे और बेहतर देने की निश्चित ही कोशिश की जाएगी। और मैं होप ही नहीं, बिलीव करता हूं कि आप सपोर्ट करेंगे। जिन भी बच्चों को लगे कि नहीं चीजें बेहतर हैं, वो लाइक शेयर और कमेंट करना कतई ना भूलें, और जिन बच्चों ने अब तक सब्सक्राइब न किया हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच, और जरूर जरूर आप इसे सीजल में यूज कर सकते हैं। Hi students, how are you? This is Santosh Srivastava from Super 60 Education Hub. And as you can see that I am going to make you prepare your what questions based on CHSL or CCO or any other exam. And yesterday I was with superfluous examples from Daily Dose Sheet 1. And today I am going to make you prepare prepositions from beginning, from starting, okay? And in this way you will be able to prepare your superfluous examples, your what prepositions, your phrasal verbs, your idioms, so your one word substitutions and many more. And the prepositions you are going to study today are very important for your exams. So let's begin. Let's see which prepositions we are going to prepare today. Okay? This is. You can see here prepositions, the segment you can find out. Very important. This is prepositions. Okay? And I can change the word red pen. Okay. आज जो prepositions हैं आपके
वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक्चुअली ये पूरी सीरीज में आपकी तैयार करा दूंगा प्रीपोजिशंस की, अगर आप चाहें तो। जो बच्चे मेरे से इलाहाबाद में पढ़े हो या आजमगढ़ में पढ़ रहे हो, वो बच्चे जानते हैं कि प्रीपोजिशंस या फ्रेजल वर्ब्स या वन वर्ड्स या इडियम्स या फिर सुपरफ्लुअस एग्जांपल्स या इनकरेक्ट को करेक्ट कैसे करें कॉमन एरर्स में, ये सारी चीजें मैंने अपने डेली डोज की शीट में अपनी प्रोवाइड कराई। तो मैं चाहता हूं इस तरह से आप शुरुआत से, जैसे कल आपने क्या किया था, आपने पहला पोर्शन यानी जो सुपरफ्लुअस एग्जांपल्स का था वो आपने तैयार किया। आज जस्ट शीट वन का जो दूसरा पोर्शन मेरा है जो प्रीपोजिशन पर मैंने बनाया है वो आज देख, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशंस आपके हैं जो आज आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और पहला प्रीपोजिशन जैसा आप देख रहे होंगे और आप जानते भी हैं, पहला है अकॉर्डिंग टू, है। अकॉर्डिंग टू मीन्स होता है किसी के अनुसार। तो अकॉर्डिंग टू दीस मेन यानी इन व्यक्तियों के अनुसार द बॉयज वर नॉट वर्किंग हार्ड, यानी वो बच्चे जो थे वो कठिन परिश्रम नहीं कर रहे थे। तो अकॉर्डिंग टू का प्रयोग तब करें जब हमारा सेंस ये आए, इन समवनस पॉइंट ऑफ व्यू और इफ समवन इज कंसीडरिंग समथिंग, इफ समवन इज थिंकिंग समथिंग, दिस इज अकॉर्डिंग टू। जैसे आप कहना हो कि रवि के अनुसार सभी बच्चे अच्छे हैं, तो अकॉर्डिंग टू रवि एवरी चाइल्ड इज गुड। या आपको कहना हो मेरे पिताजी के अनुसार आज वो अच्छा कार्य कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू my फादर टुडे दे कैन डू अ गुड deed, ओके। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू, जब आपको के अनुसार वाला भाव आए तो आप क्या ले लें, अकॉर्डिंग टू ले। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इन केस ऑफ। इन केस ऑफ क्या होते हैं, की अवस्था में, जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं और उस कार्य करने की कोई अवस्था है तो आप इन केस ऑफ का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इन केस ऑफ इलनेस यानी बीमारी की अवस्था में यू शुड नॉट गो टू स्कूल, आपको स्कूल नहीं जाना चाहिए, है ना। तो जैसे ही आपने देखा इन केस ऑफ, तुरंत समझ जाए की अवस्था में, और इलनेस क्या होती है, बीमारी यानी बीमारी की अवस्था में, तो इन केस ऑफ की अवस्था में, ओके। नेक्स्ट आपका है अन अकाउंट ऑफ। अन अकाउंट ऑफ बहुत बार एग्जाम्स में आजमाया जाता है आपको, तो अन अकाउंट ऑफ मीन्स के कारण, ठीक है। जैसे अन अकाउंट ऑफ आपको याद होगा, ओविंग टू याद होगा, ड्यू टू याद होगा और बिकॉज ऑफ याद होगा, है ना। तो अन अकाउंट ऑफ मीन्स के कारण, तो अन अकाउंट ऑफ हिज हार्ड वर्क यानी अपने कठिन परिश्रम के कारण ही गॉट सक्सेस, उसने क्या प्राप्त कर ली, सफलता प्राप्त कर ली। तो कभी भी आपको कहना हो के कारण तो अन अकाउंट ऑफ का प्रयोग कर लें। जैसे अन अकाउंट ऑफ योर डिजायर यू वेंट देयर, यानी अपनी इच्छा के कारण आप वहां गए, या अन अकाउंट ऑफ बीइंग इल यानी बीमार होने के कारण ही इज नॉट एबल टू वर्क हार्ड, वो कठिन परिश्रम नहीं कर सकता है। तो कहीं भी अगर के कारण का प्रयोग करना हो तो हम अन अकाउंट ऑफ का प्रयोग कर लें। सेकेंड लास्ट आपका है by means of। अक्सर आप कहना चाहते हैं आप अपने परिश्रम के द्वारा अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, या इस विधि के द्वारा, इस तरीके के द्वारा आप ऐसा कर सकते हैं। तो कभी भी अगर के द्वारा वाला भाव हो तो हम क्या ले लें, by means of का प्रयोग कर लें, ठीक है। जैसे you should not get success, आपको सफलता नहीं पानी चाहिए by means of wrong activities या foul means हो सकता था, यानी आपको गलत तरीकों के द्वारा, गलत गतिविधियों के द्वारा आपको सफलता नहीं पानी चाहिए। तो कहीं भी अगर by means of लगा हुआ है तो by means of के द्वारा। और लास्ट है आपका in course of। आप जानते हैं in course of means होता है के दौरान, जैसे आप कोई यात्रा कर रहे हैं तो लोग कहेंगे ना कि अपनी यात्रा के दौरान, तो इन कोर्स ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं आप। तो इन कोर्स ऑफ मींस के दौरान, इन कोर्स ऑफ टाइम यानी समय के साथ साथ, समय बीतने के दौरान ही हैड, एक मिनट बस, ही हैड टू फेस
अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी इन कोर्स ऑफ टाइम, यानी समय के दौरान ही हैड टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, उसे बहुत सारी समस्याओं का क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। तो आज हमारे पास पांच प्रीपोजिशंस हैं, है ना, कौन कौन से पांच प्रीपोजिशंस, एक अकॉर्डिंग टू, एक इन केस ऑफ, एक ऑन अकाउंट ऑफ, एक बाय मींस ऑफ और एक इन कोर्स ऑफ है। ये पांच प्रीपोजिशंस आपके हैं जो आपके एग्जाम्स में काम आएंगे। और जो बच्चे मॉडरेट लेवल पे हैं, जो बच्चे एडिटोरियल नहीं समझ पाते हैं या कॉमन एरर्स के हिंदी नहीं समझ पाते हैं या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट को बेहतर नहीं कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि छोटी छोटी चीजें वो जानते हैं। अगर आपको कोई चीज पढ़ना है, कोई कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, कोई क्लोज टेस्ट पढ़ना है या कोई पैसेज वगैरह पढ़ना है एडिटोरियल का, तो निश्चित ही आपको ये प्रीपोजिशंस, फ्रेजल वर्ब्स, इन सब चीजों पे हर हाल में आपको एक एक्सपर्टीज होना होगा, मतलब लेना होगा। तो अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो हर हाल में चीजें आपके बेहतर। चलिए, मैंने इन्हीं पांचों पर, इन पांचों प्रीपोजिशंस पर एक्सरसाइज भी बनाई हुई है जिस तरीके से हमारे आपके एग्जाम्स में दिए जाते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। ये आपके सामने एक्सरसाइज आ गई। He is not going to school. वो स्कूल नहीं जा रहा है, डैश इलनेस। हमारे पास चार प्रीपोजिशंस हैं, by means of, in course of, on account of और according। ये चारों प्रीपोजिशंस मैंने वही दिए हैं जिससे आपको याद भी हो जाए। आपको याद हो गया by means of क्या होता है, के द्वारा, on account of क्या होता है, के कारण, in course of क्या होता है, के दौरान, और according to means के अनुसार। तो अगर आप इसकी हिंदी समझ रहे हो, he is not going to school, वह स्कूल नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, चारों में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा, सोचें, by means of illness, या in course of illness, या according to illness, या on account of illness, कौन सा बेस्ट होगा, है, समझ रहे हैं ना, क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन, on account of, तो he is not going to school on account of illness, okay? Next exercise आपके है, He got success, यानी उसने सफलता पाली, dash his hard work, अपने कठिन परिश्रम, okay? क्या हो सकता है, in case of his hard work, यानी अपने कठिन परिश्रम की अवस्था में उसने सफलता पाली, या according to his hard work, यानी अपने hard work के अनुसार उसने सफलता पाली, या in course of his hard work, अपने hard work के दौरान उसने सफलता पाली, या by means of his hard work, या अपने हार्ड वर्क के द्वारा उसने सफलता पाई। समझ रहे होंगे आप, क्या हो जाएगा, He got success, क्या हो जाएगा, By means of his hard work, अपने कठिन परिश्रम के द्वारा उसने सफलता पाई। और ये लास्ट एक्सरसाइज है आपकी, Dash rain, He will not go to market, क्या हो जाएगा, In case of rain, बारिश की अवस्था में वह मार्केट नहीं जाएगा, या इन बाय मींस ऑफ रेन, बारिश के द्वारा वो नहीं जाएगा, या इन कोर्स ऑफ रेन, बारिश के दौरान वो नहीं जाएगा, या अकॉर्डिंग टू रेन वो मार्केट नहीं जाएगा। अगर इन चारों में से बेस्ट ऑप्शन आप चूज करना चाहते तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ रेन, इन केस ऑफ रेन ही विल नॉट गो टू मार्केट। अगर आपको लग रहा हो सर इन कोर्स ऑफ क्यों नहीं हो सकता है, सर इन कोर्स ऑफ बारिश के दौरान हो जाए, वो बाहर निकलेगा ही क्यों, जाने की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए इन केस ऑफ इन दोनों में बेहतर होगा, तो अगर इन केस ऑफ रेन ही विल नॉट गो टू मार्केट। ओके, सेकंड लास्ट है, डैश ही जर्नी, अपनी यात्रा के, ही मेट अ लॉट ऑफ पीपल, वो बहुत सारे लोगों से मिला, आसान है ना, क्या ऑन अकाउंट ऑफ हिज जर्नी, अपनी यात्रा के कारण वो बहुत लोगों से मिला, या by means of his journey, अपनी यात्रा के द्वारा वो बहुत लोगों से मिला, या in case of his journey, अपनी यात्रा की अवस्था में बहुत लोगों से मिला, या in course of his journey, अपनी यात्रा के दौरान वो बहुत सारे लोगों से मिला। समझ रहे हैं ना, कौन सा आंसर हो जाएगा, in course of his journey, he met a lot of people। Next है dash him, no one can win this match, क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू हिम, आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं ना, अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार
नो वन कैन विन दिस मैच, कोई भी इस मैच को जीत नहीं सकता है, तो बाकी देखने की आवश्यकता नहीं है, अकॉर्डिंग टू हिम कोच। तो हमारे पास पांच idioms अरे prepositions हमारे पास थे, अगर आप फिर से देखना चाहते हो ये, तो आज हमने जाना कि according to means होता है के अनुसार, in case of means होता है की अवस्था में, on account of means होता है के कारण, by means of means होता है के द्वारा, और in course of means होता है के द्वारा। वो बच्चे जो ये पढ़ चुके हैं उनके लिए रिवीजन हो जाएगा और पूरा मैं करा दूंगा, और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, जो मॉडरेट लेवल पे है, शुरू से चीजों को तैयार करना चाहते, मेरा विश्वास करें जरूर ये सब चीजें तैयार करें, ताकि आगे पैसेज वगैरह पढ़ने में या क्लोज्ड सॉल्व करने में, कॉमन एरर्स वगैरह करने में, और इवन डिपोजिशन से संबंधित जो एरर्स हमको दे जाती हैं, इनको करने में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। तो अगर आप चाहते हो ये चीजें आके आपके एग्जाम्स में बेहतर हो, जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो छोटी छोटी वीडियोस हैं अगर अच्छी लग रही हो, इन्हें लाइक करना, कमेंट करना, अपनी राय देना और शेयर करना कतई ना भूलें। और जिन भी बच्चों ने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो वो जरूर सब्सक्राइब करें, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब कर दिया है वो दूसरे बच्चों को भी जरूर शेयर करें। तो तैयार है, धीरे धीरे मैं आपकी सीजी और सीएचएसएल की प्रिपरेशन करा दूंगा और एकदम निश्चित ही बेहतर हो जाएंगे। थैंक यू। Very very gracious good evening to all of you, my children. This is Santosh Tivastho from Super 60 Education Hub. And today I am with a new type of segment that is called Lossy and Study Works. Earlier in my videos you have already read exercise based on prepositions and superfluous examples. And this is just going to be a series for you. Actually, I have already prepared a number of sets, means a number of sheets in which there are different kinds of elements, means segments. So, the first segment is superfluous examples, which you can call incorrect and correct words. Second segment is the segment of prepositions, means already you have read it yesterday. And the next segment today we are going to read is this is lossy and study words, means lossy पर आधारित और study पर आधारित ऐसे words जो regularly आप कुछ ऐसे CHSL हो या फिर CCL हो या different kinds of exams उसमें आपको दिए जाते हैं। तो आज जो हम तैयार करेंगे ये पांच words और फिर उन पर आधारित, उन पर based exercise, और ये regular चलेगा, और इसके regular चलने की वजह है क्योंकि ऑलरेडी ये प्रिपेयर है, सब मैंने बनाई हुई है, बस आप चूंकि भूल जाते हैं तो मैं इसे टोटल शुरू से पूरा रिवाइज करा दे रहा हूं। जो भी बच्चा कंपटीशन को बीट करना चाह रहा, क्रैक करना चाह रहा, वो जरूर जरूर इन्हें तैयार करे। आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मेरी इस डेली डोज नामक शीट से आपको मिल जाएंगे, और आपको बहुत खुशी होगी यदि ऐसा होगा। तो चलिए आज से शुरू करते हैं लॉजी एंड स्टडी वर्स, ये बदलता रहेगा। अगला जो सेक्शन होगा मेरा वो फ्रेजर वर्ब का होगा, फिर आगे ऐसे रिपीट हो जाएंगे शीट टू में, शीट थ्री में, ऐसे मैं पूरा रेगुलरली आपको देता जाऊं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है आर्कियोलॉजी। संयोग से अभी ये वर्ड बहुत फेमस हुआ, क्यों? क्योंकि आपने अयोध्या के प्रकरण में उसके रेफरेंस में आपने कई बार इस वर्ड को सुना होगा कि आर्कियोलॉजिस्ट ने इस तरीके का विश्लेषण दिया है। दिस इज आर्कियोलॉजी which is made from arch and lossy, archaeo and lossy. Archaeology क्या होते है? पुरातत्व विज्ञान। जब आप history या prehistory को excavation of sites यानी स्थानों की खुदाई के द्वारा आप इनको जानते हैं, तो इस प्रकार के विज्ञान को या शास्त्र को या अध्ययन को हम क्या कहते हैं? Archaeology कहते हैं, पुरातत्व विज्ञान कहते हैं, ठीक है। दूसरा वर्ड है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोप कहीं भी लगा हो, ये जो एंथ्रोप है ये कहीं भी लगा होगा। एंथ्रोप मीन्स मानव होता है और लॉजी मीन्स अध्ययन होता है। जब भी आप ह्यूमन काइंड का स्टडी करते हैं उसे इंग्लिश में हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं,
मैं इस मानव विकास विज्ञान कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका डर्मेटोलॉजी। कहीं भी अगर डर्मा लगा है मीन्स त्वचा होती है, और कहीं भी लॉजी है मीन्स उसका अध्ययन हो जाएगा। तो डर्मेटोलॉजी मीन्स हो त्वचा रोग विज्ञान, जिसमें आप स्किन के डिसऑर्डर से संबंधित अध्ययन करते हैं, वो डर्मेटोलॉजी होता है। नेक्स्ट वर्ड है पैथोलॉजी, यानी पैथो प्लस लॉजिक। पैथ मीन्स दो होता है, पैथोस मीन्स दो होता है, दवाएं भी होती हैं और भावनाएं भी होती है। और यहां पे जो है हमारा वो अध्ययन किस चीज का, दवाओं का। जैसे आप लेबोरेटरी एग्जामिनेशन करते हैं रोगों के लिए, उस लेबोरेटरी एग्जामिनेशन को मेडिसिन की वो ब्रांच कहते हैं जिसे हम पैथोलॉजी कहते हैं, रोगों का अध्ययन। और लास्ट है न्यूरोलॉजी। न्यूरो समझते होंगे मीन्स जो आपका स्नायु तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होता है। तो मेडिसिन की वो ब्रांच जिसमें आपके नर्व्स या नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स से संबंधित अध्ययन किया जाता है, उसे हम न्यूरोलॉजी कहते हैं, मीन्स तंत्रिका या स्नायु विज्ञान कहते हैं। फिर से उल्टा समझ लें, अगर हमको पुरातत्व विज्ञान यानी हिस्ट्री या प्री हिस्ट्री को साइट्स की खुदाई के द्वारा जो अध्ययन किया जाता है वो आर्कियोलॉजी है। मानव विकास विज्ञान क्या है, ह्यूमन काइंड के डेवलपमेंट से संबंधित जो अध्ययन है वो एंथ्रोपोलॉजी है। त्वचा रोग विज्ञान क्या होता है, स्किन के डिसऑर्डर्स से संबंधित जो विज्ञान होता है वो डर्मेटोलॉजी होता है। रोगों का अध्ययन हम किसमें करते हैं, पैथोलॉजी में करते हैं, जहां पे लेबोरेटरी एग्जामिनेशन के द्वारा इस पर अध्ययन किया जाता है। और तंत्रिका या स्नायु विज्ञान किसको कहते हैं, हम न्यूरोलॉजी को कहते हैं। तो आज ये पांच अच्छे वर्ड्स, पांचों हमारे एग्जाम्स के लिए कंपलसरी हैं, आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, पैथोलॉजी और न्यूरोलॉजी मीन्स न्यूरोलॉजी, ये पांच वर्ड्स। अब हम इनको देखते कैसे हमें एग्जाम्स में दिए जाते हैं, हमारा फायदा क्या होगा, जिस तरीके से एग्जाम्स में दिए जाते हैं वो भी हम कर सकते हैं। ये हाँ, ठीक। एक्सरसाइज ऑन लॉजी एंड स्टडी वर्ड्स। देख, द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकैवेशन ऑफ साइट्स, यानी साइट्स में स्थान है ना, स्थानों की खुदाई के द्वारा जब आप प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री पढ़ते हैं किसकी, ह्यूमंस की, तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजी कहेंगे। कहेंगे आर्कियोलॉजी मीन्स क्या हो जाएगा, पुरातत्व शास्त्र, पुरातत्व विज्ञान। लेकिन और भी तीनों वर्ड्स रिवाइंड करते चले, एंथ्रोपोलॉजी याद है, जब ह्यूमन काइंड का अध्ययन करते हैं तो वह एंथ्रोपोलॉजी है। न्यूरोलॉजी क्या है, नर्वस या नर्वस सिस्टम से संबंधित जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनकी एनाटॉमी वगैरह का अध्ययन करने के, उनके फंक्शन का जो अध्ययन होता है वो न्यूरोलॉजी है। और पैथोलॉजी क्या है, लेबोरेटरी जो एग्जामिनेशन होता है उसे हम मेडिसिन के उस ब्रांच को पैथोलॉजी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द लेबोरेटरी एग्जामिनेशन। ये क्लू है ना आपका, लेबोरेटरी एग्जामिनेशन की वो ब्रांच मेडिसिन की क्या कहलाएगी, डर्मेटोलॉजी तो नहीं होगी। डर्मेटोलॉजी क्या होती है, स्किन डिसऑर्डर्स के लिए होती है। न्यूरोलॉजी तो नहीं कहलाएगी, न्यूरोलॉजी क्या होती है, नर्वस या नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स के लिए होती है। पैथोलॉजी कहलाएगी, यही होगी। लेबोरेटरी एग्जामिनेशन के लिए क्या है, पैथोलॉजी आपकी मीन्स रोग अध्ययन जो विज्ञान होता है वो आपका पैथोलॉजी हो जाएगा। और एंथ्रोपोलॉजी आपको याद हो गया होगा, मानव विकास विज्ञान यानी ह्यूमन काइंड का जो डेवलपमेंट है उसके अध्ययन को हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। ओके, ये तीसरा प्रश्न आपका है, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन है ना, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द एनाटॉमी फंक्शंस एंड ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स ऑफ
नर्वस एंड द नर्वस सिस्टम, ये क्लू है आपका ना कि नर्व और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स या उसके फंक्शंस या उसकी एनाटॉमी, एनाटॉमी क्या होती है शारीरिक संरचना, इनका जो अध्ययन होता है मेडिसिन की उस ब्रांच को क्या कहेंगे हम, याद करें क्या एंथ्रोपोलॉजी कहेंगे, नहीं एंथ्रोपोलॉजी याद है आपको मानव विकास विज्ञान, क्या डर्मेटोलॉजी कहेंगे, नहीं डर्मेटोलॉजी क्या है त्वचा रोग विज्ञान, क्या पैथोलॉजी कहेंगे, नहीं यह एक रोग अध्ययन विज्ञान है और न्यूरोलॉजी हो जाएगा। जैसे आपने नर्वस या नर्वस सिस्टम देखा तुरंत समझ जाए वो क्या है आपका न्यूरोलॉजी है ना, आप कहते हैं फला शहर में इतने न्यूरोलॉजिस्ट हैं जो अच्छे हैं, दिस इज न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द ब्रांच ऑफ मेडिसिन, यानी मेडिसिन की वो ब्रांच कंसर्न विद जो संबंधित होती है द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसऑर्डर्स। जैसे आपने स्किन डिसऑर्डर्स देखा तुरंत समझ गए होंगे आप कि हमारा आंसर क्या हो, क्या वो डर्मेटोलॉजी होगा, बिल्कुल होगा क्योंकि डर्म मीन्स ही त्वचा होती है, एंथ्रोपोलॉजी होगा नहीं क्योंकि यह मानव विकास विज्ञान है, न्यूरोलॉजी होगा नहीं क्योंकि यह स्नायु या तंत्रिका तंत्र विज्ञान है, और आर्कियोलॉजी नहीं होगा क्योंकि इसमें हम साइट्स की खुदाई के द्वारा जो हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री है उसके बारे में जानते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका है द स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड इन पर्टिकुलर, यानी विशेष रूप से जब हम मानव के विकास का या मानव का अध्ययन करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, क्या न्यूरोलॉजी होगा, नहीं ना ये तो आपका स्नायु तंत्र विज्ञान है, एंथ्रोपोलॉजी होगा बिल्कुल यही होगा, एंथ्रोपोलॉजी मीन्स मानव विकास विज्ञान, आर्कियोलॉजी आपको याद हो गया होगा जब हम साइट्स की खुदाई के द्वारा हम हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं वो आर्कियोलॉजी है, और पैथोलॉजी रोग अध्ययन विज्ञान में लैबोरेटरी सिस्टम के द्वारा जब हम कोई चीज करते हैं वह पैथोलॉजी होता है। ये छोटे छोटे सेगमेंट्स है बाबू, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसे कैसे देखें, जो शीट वन का पहला सेट मैंने दिया आपको सुपरफ्लुअस एग्जाम्पल्स, जो दूसरा आपको दिया मैंने प्रीपोजिशंस पर, और आज ये तीसरा जो लॉजी एंड स्टडी वर्ड्स पर, इन्हें जोड़कर तैयार करते जाइएगा, ये हर एक शीट में आपको मिलेंगे तो फिर एक दिन आपके पास इकट्ठा एक ऐसी चीज होगी एक ऐसी पूंजी जो किसी भी कंपटीशन में आपके काम आएगी। अगर आप आगे CHSL या CGL की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो तब तक तो मैं इतना आपको प्रिपेयर करा दूंगा कि आपकी 50% प्रिपरेशन केवल इन वीडियोस के थ्रू आप कर सकते हैं, विश्वास करें इन वीडियोस के थ्रू आप अपनी 50% के आसपास प्रिपरेशन CGL या CHSL में कर सकते हैं यदि रेगुलरली आप इन्हें देखें और तैयार करते जाएं। इनका प्लस पॉइंट ये एक्सरसाइजेस हैं जो आपके हमेशा काम आएंगे। फिर से वही बात कि अगर आपने शेयर न किया हो शेयर कर दें अभी, लाइक करें, यदि कोई दिक्कतें हो कमेंट करें, जैसे आज देखा होगा आपने मैंने कैमरे को सीधा रख के किया है लेकिन यहाँ एक ब्लॉट आ रहा होगा पर रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, मुझे बताइएगा जरूर कि क्या उससे कोई दिक्कत हो रही है या पहले जैसे था वो सही था, और प्लीज दूसरे बच्चों को बताते जाएं ताकि ये चीजें अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाए। थैंक यू। हेलो माय चिल्ड्रन, दिस इज संतोष श्रीवास्तव फ्रॉम सुपर 60 एजुकेशन हब, एंड टुडे आई एम विद अ न्यू सेगमेंट ऑफ डेली डोज शीट वन, एंड दैट इज वर्बल फ्रेजेस और यू कैन से फ्रेजल वर्ब्स। यू हैव ऑलरेडी रेड सेट वन ऑफ सुपरफ्लुअस एग्जाम्पल्स, सेट वन ऑफ प्रीपोजिशंस, and set one of lossy and study words. Today you are going to read or study set one of phrasal verbs. Actually, just after some time you will find that there is a collection of material, means बहुत सारे अलग अलग segments आपको एक sheet में मैं एक साथ कर दूंगा। तो अभी जो थोड़ा बहुत आपको लग रहा होगा कि ये क्या है वो एक साथ हो जाए तो आपको पता चलेगा
कि एक शीट में आपने क्या पाया। एक शीट में आपने सुपरफ्लुअस एग्जांपल्स जो आपको कॉमन एरर्स के रूप में सीजियम सीएच अक्षर वगैरह में दिए जाते हैं वो आपने पाया। एक सेट में आपने सारी जो प्रीपोजिशन से वो पाया आपने। एक सेट में आपने लॉजी एंड स्टडी वर्ड्स सारे आपने पा लिए। अभी आज से आप फ्रेजल वर्ब्स आप पा रहे हैं और आगे वन वर्ड्स और इडियम्स आप पा जाए। फिर इस सब एक साथ में कर लूंगा, इससे होगा क्या, सारी चीजें आप एक साथ प्रिपेयर कर लेंगे क्योंकि सेगमेंट्स में आप यहां पढ़ रहे हैं। जैसे वो एक साथ एक्सरसाइज के रूप में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि इतनी पूंजी हमारी क्या हो चुकी है, प्रिपेयर हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। ठीक है, तो आज से हम शुरू करते हैं फ्रेजल वर्ब्स जो एक सेगमेंट है और उसके बाद फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, दिस इज यू कैन सी हियर वर्बल फ्रेजेस, ये भी मेरे शीट वन का ही मटेरियल है और इसे भी मैं सेट वन के नाम से दे दूंगा। ऐसे जब आप और फ्रेजेस जुड़ेंगे वो सेट टू हो जाएंगे और लॉजी एंड स्टडी वर्ड्स हो जाएंगे सेट टू हो जाएंगे, ऐसे बढ़ते जाएंगे और फिर इकट्ठा मटेरियल एक साथ हो जाएगा। ठीक है, तो वर्बल फ्रेजेस में आज आपके पास है एक्ट ऑन, तो ये है एक्ट ऑन एक फ्रेजल वर्ब आपकी, दूसरी है एक्ट अप टू दूसरी फ्रेजल वर्ब और तीसरी है एक्ट अपॉन। ठीक है, तो इस तरीके से आज तीन फ्रेजल वर्ब्स हम तैयार करते हैं। पहली है एक्ट ऑन। एक्ट ऑन मींस टू प्रोड्यूस इफेक्ट। जब भी किसी चीज पर किसी चीज का कोई प्रभाव पड़ता है स्पेशली किसी मेटल वगैरह पे तो वह एक्ट ऑन होता है। तो एक्ट ऑन मींस हो गया टू प्रोड्यूस इफेक्ट, यानी असर डालना, किसी चीज पर अपना प्रभाव डालना जो होता है वो एक्ट ऑन होता है। क्या होता है एक्ट ऑन? एक्ट ऑन मींस असर डालना। स्ट्रांग एसिड्स यानी जो तेज अम्ल होता है एक्ट ऑन, वो अपना प्रभाव डालता है। किस पर प्रभाव डालता है? मेटल्स पर, धातुओं पर, यानी धातुओं पर प्रभाव डालता है क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो कभी भी अगर कहीं एक्ट ऑन हो तो एक्ट ऑन मींस असर डालना, अपना प्रभाव डालना। ओके, टू प्रोड्यूस इफेक्ट। नेक्स्ट आपका है एक्ट अप टू। एक्ट अप टू मींस होता है किसी के अनुसार, स्पेशली किसी चीज के अनुसार कार्य करना। तो एक्ट अप टू वर्क अकॉर्डिंग टू, अर्थात के अनुसार कार्य करना, मीन्स किसी के अनुसार कार्य करना। वी एक्टेड अप टू आवर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन। पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन समझते होंगे आप, पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन मीन्स माता पिता की अपेक्षाएं, यानी माता पिता की अपेक्षाओं के अनुसार है ना, यानी अपने माता पिता की अपेक्षाओं के अनुसार हमने क्या किया, कार्य किया। यानी अगर एक्ट ऑन है तो एक्ट ऑन मींस असर डालना, प्रोड्यूस इफेक्ट, और एक्ट अप टू है तो वर्क अकॉर्डिंग टू, यानी किसी के अनुसार कार्य करना। और लास्ट है आपका एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन क्या होता है? जैसे आपको कोई सलाह दी गई और सलाह के आधार पे आप क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो आप एक्ट अपॉन कर रहे हैं। तो एक्ट अपॉन मींस वर्क ऑन द लाइन्स ऑफ, यानी जो गाइडलाइन आपको दी गई, जो सलाह आपको दी गई, उस लाइन पर आप क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो यू आर एक्टिंग अपॉन। अर्थात वर्क ऑन द लाइन्स ऑफ मींस के आधार पर, यानी जो सूचना आपको मिली उसके आधार पे आप कार्य कर रहे हैं, तो यू आर एक्टिंग अपॉन। जस्ट एज द प्राइम मिनिस्टर इज एक्टिंग अपॉन द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रेसिडेंट्स इंस्ट्रक्शंस मींस प्रेसिडेंट के इंस्ट्रक्शंस के
आधार पर प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, यानी जिस तरीके का इंस्ट्रक्शन प्रेसिडेंट ने दिया है उसी के आधार पर प्राइम मिनिस्टर कार्य कर रहे हैं। तो तीन फ्रेजल वर्ब्स हमारे पास आज है, ध्यान से सुने, तीन फ्रेजल वर्ब्स हमारे पास है। पहला एक्ट ऑन मीन्स टू प्रोड्यूस इफेक्ट, यानी असर डालना, प्रभाव छोड़ना। दूसरा एक्ट अप टू मीन्स किसी के आधार पर कार्य करना, जैसे आप अपने माता पिता के अपेक्षाओं के आधार पर कार्य कर रहे हैं, यू आर एक्टिंग अप टू द डिजायर ऑफ योर पेरेंट्स। और एक्ट अपॉन कोई गाइडलाइन आपके पास से, कोई इंफॉर्मेशन है उसके आधार पर अगर आप कार्य कर रहे हैं तो यू आर एक्टिंग अपॉन। ठीक है, इस वेरी डोज की सबसे बड़ी खासियत क्या है पता है, कि जैसे ये पढ़ करके आप भूल जाएं ऐसा नहीं, क्योंकि इसके जस्ट आगे मैंने क्या दिया है आपको, क्या दिया है, एक्सरसाइज दे। उस एक्सरसाइज को करने के बाद हमें पता चलेगा कि ये जो हमने यहां पढ़ा हमें कितना तैयार हुआ। और जब भी अपने आप को आजमाना हो, ये वीडियोस देख करके हम अपने आप को देख सकते हैं कि हमारा तैयार हुआ है या नहीं हुआ है, और कहीं फिसल जाए न याद आए तो मैंने ऑलरेडी ये चीजें बताई हुई है, यहां से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस पर एक्सरसाइज, यह ना एक्सरसाइज ऑन फ्रेजल वर्ब्स। तो पहला है एक्ट ऑन, आप अपने से भी बता सकते हैं कि एक्ट ऑन का इनमें कौन सा होगा, एक्ट ऑन का टू क्रिटिसाइज होगा या टू मिनिमाइज होगा या टू प्रोड्यूस इफेक्ट होगा या टू काउंट मनी होगा, कौन सा होगा एक्ट ऑन, याद आ गया। एक्ट ऑन मीन्स होता है टू प्रोड्यूस इफेक्ट, अब आपको देखिए रिविजन हो रहा है, टू प्रोड्यूस इफेक्ट यानी एक्ट ऑन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ये, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एक्ट अप टू, एक्ट अप टू का याद है आपको, वर्क अकॉर्डिंग टू होगा या वर्क अगेंस्ट होगा या गो अगेंस्ट होगा या स्पीक अगेंस्ट होगा। तो एक्ट अप टू मीन्स होता है किसी के अनुसार कार्य करना, किसी के अनुसार कार्य करना। तो एक्ट अप टू का क्या हो जाएगा, वर्क अकॉर्डिंग टू हो जाएगा, हो जाएगा। और लास्ट आपका है एक्ट अपान, एक्ट अपान मीन्स मैंने कहा जब आप किसी की सलाह के आधार पर, उसकी गाइडलाइन पर या किसी इंफॉर्मेशन के आधार पे आप कोई कार्य करते हैं वो एक्ट अपान होता है। तो क्या एक्ट अपान वर्क अगेंस्ट होगा, नहीं। क्या वीप बिटरली होगा, नहीं। क्या लाफ लाउडली होगा, बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा एक्ट अपान का, वर्क ऑन द लाइन ऑफ, अर्थात किसी की सलाह पर, किसी इंफॉर्मेशन पर कार्य करना होता है। दिस इज फ्रेजल वर्ब, ये सेट्स पढ़ते जाएंगे, फिर आप इन्हें चाहे तो इकट्ठा कर सकते हैं, फिर आपके पास एक पूंजी होगी। इतना सारा हमारा क्या हो चुका है, प्रिपेयर हो चुका है। मैं फिर कहूंगा ये डेली मेरा रहेगा, मैं 15 20 मिनट 12 मिनट 10 मिनट का एक आपको सेगमेंट दे दूंगा, ताकि इससे आप धीरे धीरे रिविजन करते रहे, जो बच्चे पढ़े हैं और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनका शुरू से चीजें कंपटीशन लेवल पे वो मेंटेन कर सकते हैं। आगे सीपीओ एसआई का पेपर है आपका, आगे फिर नेक्स्ट ईयर में आपको सीएचएसएल सीजल वगैरह मिलेंगे। ये सारी प्रिपरेशन आप चाहें तो अभी से बना लें कि हमको तैयारी करनी, ठीक है। ये देखिए आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हर एग्जाम में दिए जाने वाले हैं, इनको मैं यहां तैयार भी करा दूंगा और आगे एक्सरसाइज भी करा दूंगा। तो पहला वर्ड है आपका एबडिकेट, आपको याद होगा एबडिकेट, एबडिकेट मीन्स होता है जब कोई स्वेच्छा से अपना पद त्याग करता है, मीन्स गिव अप अ थ्रोन वॉलंटरली, मीन्स अपनी इच्छा से अपना पद त्याग करता है वह एबडिकेट करता है। द किंग वाज फोर्स्ड, यानी राजा को बाध्य कर दिया गया टू एबडिकेट, क्या करने के लिए, अपना पद त्याग करने के। तो एबडिकेट जाना हमने, एबडिकेट मीन्स तो वॉलंटरली यानी अपनी इच्छा से अपने पद को गिव अप कर देना, छोड़ देना। नेक्स्ट वर्ड है आपका बैलर, बहुत बार किसी एक कैरेक्टर को लेकर के गाथा गीत बनाया जाता है,
बड़ी बड़ी बातें उसके बारे में कही जाती हैं। वो जो गीत का रूप होता है उसे हम बैलड कहते हैं, मीन्स लॉन्ग सॉन्ग, कोई लंबा गीत और पोयम या फिर कोई लंबी पोयम किसी एक फेमस कैरेक्टर को लेकर के बनाई जाती है, वह एक बैलड होता है। दिस बैलड इज रिटन अबाउट किंग आर्थर, यानी किंग आर्थर के लिए यह बैलड यानी यह गाथा गीत लिखी गई है। तो बैलड, बैलड मीन्स लॉन्ग पोयम और लॉन्ग सॉन्ग। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका, इंपॉर्टेंट वर्ड है कैजोलमेंट। कैजोलमेंट क्या होता है? जब आप किसी को चापलूसी करके, फ्लैटरी करके उसे किसी कार्य को करने के लिए मना लेते हैं तो वह एक कैजोलमेंट होता है। मीन्स यूज ऑफ फ्लैटरी टू मेक समवन एग्री, यानी किसी को सहमत करने के लिए अगर आप फ्लैटरी करते हैं तो आप उसे कैजोल करते हैं, अर्थात नाउन के रूप में वह कैजोलमेंट कहलाता है। शी डिड नॉट लाइक, उसे पसंद नहीं था हिज कैजोलमेंट, उसकी चापलूसी, यानी वो जो चापलूसी करके उसे सहमत करने की कोशिश कर रहा था उसे वो क्या नहीं करती थी, पसंद नहीं करती थी। यहां तीन वर्ड हमारे पास हैं। पहला है एबडिकेट, अर्थात अपनी इच्छा से अपना पद त्याग देना, voluntarily giving up one's resignation. दूसरा बैलड है, means long song or a long poem. और तीसरा है casualment, to make someone agree with the help of, with the use of flattery. ठीक है, अभी इसमें कुछ और वर्ड्स हैं। ये पहला है debonair, means fourth word है debonair. Confident, गुड लुकिंग एंड charming, जो व्यक्ति आकर्षक होता है, आत्मविश्वास से भरा होता है वो कौन होता है? debonair होता है। means he is a debonair man, वह एक आकर्षक और विश्वास से भरा व्यक्ति है, in a suit and top है, यानी वो जो व्यक्ति सूट पहना हुआ है, टॉप हैट लिया हुआ लगाया हुआ है, वो व्यक्ति एक debonair है। means क्या है? आकर्षक भी है और आत्मविश्वास से भरा, means अट्रैक्टिव भी है और फुल ऑफ कॉन्फिडेंस भी है। और लास्ट वर्ड है आज का eavesdropper। एक्चुअली इसमें सारे वर्ड्स मैंने केवल कंपटीशन के लिए हैं, जो एग्जाम्स में आए हुए हैं या आ सकते हैं, तो अगर आप तैयार करेंगे ये भी आपके एक पूंजी बन जाए। तो eavesdropper यानी वन हु सीक्रेटली लिसेंस टू द टॉक ऑफ अदर्स। अक्सर क्या होता है, दुश्मन जो है वो आपकी बातें चोरी से सुनने की कोशिश करता है, तो वो eavesdropper कहलाता है, यानी वन हु लिसेंस टू योर टॉक बट सीक्रेटली, जो चोरी से आपकी बातें सुनता है वह eavesdrop करता है और वो व्यक्ति eavesdropper होता है। डोंट बिलीव हिम, यानी उसकी बातों पर भरोसा मत करो, क्यों? क्योंकि ही इज एन eavesdropper, क्योंकि वो क्या है, एक eavesdropper है, मीन्स वह एक चोरी से बातें सुनने वाला है, मैं सीक्रेटली आपकी बातें वो सुन लेता है। तो हमारे पास पांच अच्छे वर्ड्स हैं। पांच अच्छे वर्ड्स हैं। पहला वर्ड था आपका एबडिकेट। एबडिकेट मीन्स जब आप अपनी इच्छा से अपना पद त्याग कर देते हो वह आपका एबडिकेट कहलाता है। दूसरा वर्ड था आपका बैलड। बैलड मीन्स जब आप अपने कोई लंबी गीत को पढ़ते हैं, लंबा गीत पढ़ते हैं या फिर कोई लंबी पोएम पढ़ते हैं, लॉन्ग सॉन्ग हो या लॉन्ग पोएम हो, वह बैलड कहलाता है। तीसरा वर्ड था आपका कैजोलमेंट। कैजोलमेंट जब आप अपनी फ्लैटरी से किसी को एग्री करने की कोशिश करते हैं तो वह कैजोलमेंट होता है। चौथा वर्ड है आपका debonair। debonair मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो सुंदर हो, आकर्षक हो और आत्मविश्वास से, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ हो, वह debonair कहलाता है। और लास्ट वर्ड था आपका eavesdropper, जो व्यक्ति चोरी से सीक्रेटली आपकी टॉक को, आपकी बातों को सुनता हो, वो eavesdropper होता है। और यहां भी मैंने एक्सरसाइज दी है, तो आप अपने को आजमा सकते हैं कि पांचों वर्ड्स हमारे तैयार हुए या नहीं। ये एक्सरसाइज ऑन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने बनाया इसे।
यूज ऑफ फ्लैटरी टू मेक समवन एग्री, अगर आप किसी को सहमत करने के लिए आप फ्लैटरी करते हैं तो वो क्या है? वो डेबोनेयर है क्या? होगा कतई नहीं। डेबोनेयर तो वो व्यक्ति होता है जो आकर्षक, अट्रैक्टिव होता है और फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। क्या कैजोलमेंट होगा क्या? बिल्कुल होगा। इफ यू आर मेकिंग समवन एग्री विद द यूज ऑफ फ्लैटरी दिस इज कॉल्ड कैजोलमेंट। तो ये कैजोलमेंट कुछ है। ईवड्रॉपर कौन होता है? याद है, वन हु लिसन्स टू योर टॉक सीक्रेटली, जो आपकी चोरी छिपे बातें सुनता है वो ईवड्रॉपर होता है। बैलेट क्या होता है? याद हो गया, लॉन्ग पोएम और सॉन्ग इज कॉल्ड बैलेट। दूसरी एक्सरसाइज, वन हु सीक्रेटली लिसन्स, जो चोरी से सुनता है टू द टॉक ऑफ अदर्स, दूसरों की बातों को, वो कौन कहलाएगा? क्या वो बैलेट है? कतई नहीं। याद हो गया होगा, गाथा गीत को बैलेट कहते हैं। क्या वो मूड पॉइंट है? मूड पॉइंट क्या होता है? कोई कंट्रोवर्सियल टॉपिक, कोई विवाद का जो विषय होता है वो मूड पॉइंट होता है, कंट्रोवर्सियल टॉपिक। क्या वो ईवड्रॉपर है? बिल्कुल है, ईवड्रॉपर ही जो दूसरों की बातों को चोरी से सुनता है। क्या वो डिप्रेव्ड है? बिल्कुल नहीं। डिप्रेव्ड मीन्स भ्रष्ट व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति करप्ट होता है वह डिप्रेव्ड होता है, तो ये नहीं होगा। तो वन हु सीक्रेटली लिसन्स टू द टॉक ऑफ अदर्स ईवड्रॉपर। कॉन्फिडेंट, गुड लुकिंग एंड चार्मिंग, ये कौन है? याद हो गया आपको, ये एसलांश नहीं है। एसलांश क्या होता है? सत्ता में जो बड़ा वर्ग होता है उस वर्ग को हम एसलांश कहते हैं। आप सत्ता वर्ग कह सकते हैं एसलांश। सत्ता में जो पदों का विभाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? एसलांश कहते हैं। कैजोलमेंट आपको याद हो गया होगा, कैजोलमेंट जब आप किसी को चापलूसी करके मनाते हैं, सहमत कर लेते हैं। टेंटेड क्या होता है? जो व्यक्ति स्पॉटेड होता है, ब्लॉटेड होता है, मीन्स जो दागदार होता है वो टेंटेड होता है। और ये इसका आंसर है डेबोनेयर। जो व्यक्ति कॉन्फिडेंट है, गुड लुकिंग है, चार्मिंग है, वो कौन है? डेबोनेयर। ये भी आपकी एक्सरसाइज है। टू गिव अप अ थ्रोन आर वॉलंटरली, जब आप अपनी इच्छा से पद त्याग कर रहे हैं तो क्या होगा? क्या एक्ट अपान होगा? कतई नहीं। आपको याद हो गया होगा, एक्ट अपान मीन्स किसी की सलाह पर, सूचना पर कार्य करना। क्या वो एक्ट अप टू होगा? कतई नहीं। एक्ट अप टू किसी के अनुसार कार्य करना। क्या वो एबडिकेट होगा? बिल्कुल होगा। एबडिकेट मीन्स होता है अपनी इच्छा से पद त्याग कर देना। क्या वो बैलेट होगा? कतई नहीं। बैलेट मीन्स वो लॉन्ग सॉन्ग या पोएम जो होती वो बैलेट कहलाती। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा एब्डिकेट। और लास्ट है आपका लॉन्ग सॉन्ग और पोएम, कर लेंगे आप। क्या होगा? क्या सिमिली होगा? कतई नहीं। सिमिली याद होगा आपको, उपमा अलंकार को, फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं। क्या पोएटिक्स होगा? कतई नहीं। ये काव्य शास्त्र है जो एरिस्टोटल के द्वारा लिखी गई एक किताब का नाम है पोएटिक्स। क्या वो एथिक्स होगा? कतई नहीं। एथिक्स वो होता है जो नीति शास्त्र होता है, जो हमारी मोरालिटी पर आधारित होता है, वो एथिक्स होता है। हाँ, वो बैलेट हो जाएगा, मीन्स अ लॉन्ग सॉन्ग और पोएम हो जाएगा बैलेट। तो पांच अच्छे वर्ड्स आपके पास हैं जो बैक जाकर के आप देख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा तीन आपके पास खास फ्रेजल वर्ब्स आपने पढ़ा। एक आपने पढ़ा एक्ट ऑन, जिसके मीन्स किसी पर असर डालना होता है। दूसरा एक्ट अप टू, किसी के अनुसार कार्य करना होता है। और तीसरा एक्ट अपान, जिस किसी के अनुसार, किसी की सूचना के आधार पर क्या करना, कार्य करना होता है। वो तीन फ्रेजल वर्ब्स और पांच आपके पास अच्छे वर्ड्स मिले। इन वर्ड्स को जरूर तैयार करें। ये वर्ड्स धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और आपके पास सारी श्रेणी वर्ड्स होंगे। आपके पास इकट्ठा एक डेली डोज के रूप में पूंजी होगी, जिस पूंजी को, जिस असेट को आप चाहें वो अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। कल फिर मैं इसी समय आपके सामने रहूंगा, तो आप निश्चित ही इन वीडियोस को अच्छे से यूज करें, इन्हें स्टडी करें, अच्छे से डेप्थ में जाके तैयार करें और मुझे भी एनकरेज करने की कोशिश करें। दूसरे अन्य बच्चों को हमेशा बताते रहें, अपने टीचर को आप सपोर्ट करते रहें। थैंक यू वेरी मच।
वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चों। और सबसे पहले मैं आप सारे बच्चों को आज बाल दिवस पर, चिल्ड्रंस डे पर शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और जो भी बच्चे अपने जिंदगी में परिश्रम कर रहे हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं, आज का दिन उनके लिए विशेष होना चाहिए। जिस दिन वो एक तय कर ले कि वो अब बाल नहीं रहेंगे बल्कि अपने परिवार की जिम्मेदारियों को भी लेकर चलने की कोशिश करेंगे, ताकि उन पर माता पिता उनके गर्व कर सके। तो टुडे आई एम विद अ न्यू सेगमेंट फ्रॉम डेली डोज शीट वन, एंड दिस इज द लास्ट सेगमेंट ऑफ डेली डोज शीट वन। दिस इज इडियम्स एंड फ्रेजेस, यानी ये सेगमेंट जो है वो इडियम्स एंड फ्रेजेस का सेगमेंट है, जिसमें आप बहुत सारी चीजें मीन्स धीरे धीरे अपनी प्रिपरेशन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज क्या क्या है हमारे पास। Now you can see here idioms and phrases, okay? पांच idioms होंगे आपके पास, और इन पांच idioms के पांच exercises भी आपको दे गए। जरूर तैयार करें, धीरे धीरे ये आपके भंडार में मीन्स आपके ज्ञान के भंडार में बढ़ता जाएगा, okay? पहला idiom है, जैसा कि आप देख सकते हैं, a beehive. और बी हाइव आप समझ सकते हैं, बी मीन्स मधुमक्खी होती है और हाइव मीन्स उसका छत्ता होता है, उसे बहुत सारी मधुमक्खियां होती हैं, तो इसीलिए जहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं उसे हम बी हाइव कहते हैं। अ वेरी बिजी प्लेस है, अ वेरी बिजी प्लेस यानी अ बी हाइव, एक व्यस्त जगह। अगर हमको इसका यूज करना हो बी हाइव का, तो ही डज नॉट विश, वह नहीं चाहता है टू लिव हियर, यहां रहना। क्यों वह यहां रहना नहीं चाहता है? एज क्योंकि इट इज अ बीहाइव, क्योंकि यह एक बहुत ही व्यस्त जगह है, अर्थात अ बीहाइव, अ वेरी बिजी प्लेस। नेक्स्ट इडियम दूसरा है आपका बैक बर्नर। आप जानते हैं जो बर्नर यानी गैस में, गैस चूल्हे में जो बर्नर पहले होता है हम उसे प्रीफरेंस देते हैं, और जो बर्नर पीछे होता है बैक में होता है हम उसे प्रीफरेंस नहीं देते हैं, समझते हैं ना? तो वैसे ही बैक बर्नर अगर एक एडियम बनाया गया, इसलिए बनाया गया क्योंकि ऐसे मुद्दे या ऐसे इश्यूज, ऐसे मैटर्स जिन पर हम महत्व नहीं देते हैं, जिनको वो बैक बर्नर कहलाते हैं, जैसे इनसिग्निफिकेंट इशू या मैटर। कोई भी अगर एक महत्वहीन मुद्दा है या मामला है तो हम उसे बैक बर्नर कहते हैं, ओके? यानी जिसे ज्यादा महत्व न दिया जाए वो बैक बर्नर होता है। अगर हम यूज करें डजंस ऑफ केसेस, यानी बहुत सारे ऐसे मामले हैं वर पुट ऑन, जिन्हें रख दिए गए द बैक बर्नर, क्या मान करके? महत्वहीन मान करके। तो कहीं भी कोई कहे कि यह चीज बैक बर्नर है, यानी इस चीज का महत्व नहीं है। थर्ड है आपका कॉल द शॉट्स, ये एक प्रभावी व्यक्ति को कहते हैं, मीन्स जो प्रभावी हो या फिर जो निर्देश दे सकता हो, ही इज कॉलिंग द शॉट्स। तो कॉल द शॉट्स मीन्स बी इन चार्ज, क्या होना? प्रभावी होना या निर्देश देना, तो प्रभावी होना और निर्देश देना। हु इज कॉलिंग द शॉट्स इन दिस हाउस, यानी इस घर में कौन प्रभावी है और कौन निर्देश दे रहा है, यानी कॉल द शॉट्स मींस बी इन चार्ज। तीन हमारे पास idioms यहां हुए, अ बीहाइव, अ वेरी बिजी प्लेस, बहुत ही व्यस्त जगह, बैक बर्नर यानी एन इनसिग्निफिकेंट इशू और मैटर, यानी कोई चीज जिसे महत्व न दिया जाए, कॉल द शॉट्स मीन्स To be in charge, यानी in charge होना, प्रभावी होना और निर्देश देना। और ये चौथा और पांचवा हमारे पास है, लास्ट चौथा है Damocles Sword। ये कई बार एग्जाम्स में दिया गया। Damocles Sword आप समझ सकते हैं, एक्चुअली सिसिली में एक राजा Dionysius II था, तो उसका एक obsequious courtier था, में से चापलूस दरबारी था, उसका नाम था Damocles।
डेमोकल्स को ऐसा लगता था कि राजा डायनेसिस सेकेंड जो है वो बहुत ही आराम का जीवन जी रहा है, बहुत फॉर्चुनेट है, वो राजा है। ये चीज डायनेसिस को खलती थी कि डेमोकल्स उसके बारे में ऐसा सोचता है कि राजा बहुत अच्छी लाइफ जीता है। एक दिन डायनेसिस सेकेंड ने डेमोकल्स से कहा कि आप मेरे स्थान पे एक दिन के लिए राजा बन जाओ और फिर आप देखो। डेमोकल्स बहुत खुश हो गया। वो जब राजा बना तो उसके ऊपर, सिंहासन के ऊपर, डायनेसिस सेकंड ने क्या किया, एक बड़ी सी तलवार एक घोड़े के बाल से लटका करके टांग दी। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं वो तलवार कभी भी टूट करके राजा के ऊपर गिर सकती। तो एक दिन जब वो रहा तो उसे पता चला कि उस तलवार ने निरंतर उसे परेशान किया। दिस इज योर डेमोकल्स सोर्ड या द सोर्ड ऑफ डेमोकल्स। ओके, मींस कॉन्स्टेंट थ्रेट, यानी लगातार बने रहने वाला खतरा या इमिनेंट पेरिल। इमिनेंट मींस आगामी और पेरिल मींस खतरा, यानी जो खतरा कभी भी आ सकता हो वह डेमोकल्स सोर्ड कहलाता है, यानी निरंतर बना रहने वाला खतरा। द सोर्ड ऑफ डेमोकल्स इज हैंगिंग, यानी खतरा बना हुआ है ओवर द हेड ऑफ द चीफ मजिस्ट्रेट, यानी चीफ मजिस्ट्रेट के सर पर निरंतर खतरा बना हुआ है, यानी कभी भी कुछ भी उनके साथ हो सकता है। तो डेमोकल्स शोर्ड मींस इमिनेंट पेरिल या कॉन्स्टेंट खतरा, मींस कोई खतरा जो हमारे आपके ऊपर लगातार बना हुआ हो, वह डेमोकल्स शोर्ड या द सोर्ड ऑफ डेमोकल्स। और लास्ट है ईगल आईज। आप समझते होंगे ईगल आईज मींस बाज की आंखें। बाज के बारे में आप जानते हैं ना, बाज की जो नजर होती, निगाह, वो चूक नहीं सकते, अपने शिकार को बहुत आसानी से पहचान लेता है। तो अगर कोई व्यक्ति ईगल आईज है, इट मींस वो किसी चीज को बहुत क्लोजली क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, उसे वॉच करता है। तो ईगल आईज मींस वन, एक ऐसा व्यक्ति दैट ऑब्जर्व्स विद क्लोज अटेंशन, जो किसी चीज पर बहुत गहरे ध्यान से ऑब्जर्व करता है, उसको देखता है, वह ईगल आईज होता है। बहुत ही ध्यान से सभी चीजों को देखने वाला ईगल आईज है। यू कैन नॉट डिसीव हिम, आप उसे धोखा नहीं दे सकते हो। क्यों? एज ही इज, यहां इज रहेगा, ही इज एन ईगल आईज, क्योंकि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो चीजों को बहुत क्लोजली क्या करता है, वॉच करता है। तो पांच इडियम्स हमारे पास हो गए ना। पहला आपने पढ़ा अ बीहाइव। अ बीहाइव मींस ए वेरी बिजी प्लेस, एक स्थान जहां बहुत व्यस्त हो। बैक बर्नर, कोई ऐसा मुद्दा, कोई ऐसा मामला जो बहुत इनसिग्निफिकेंट हो, इंपॉर्टेंट न हो। कॉल द शॉट्स, टू बी इन चार्ज, अर्थात प्रभावी होना, निर्देश देना। डेमोकल्स शोर्ड मींस एक ऐसा खतरा जो आसन्न हो, हमेशा आपके ऊपर बना हुआ हो। और ईगल आईज मींस कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता हो। ओके, अब हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो हमारे एग्जाम में दिया जा सकता है या दिया जाता है। तो कैसे दिया जाता है, कैसे तैयार करें, चलिए देखते हैं एक्सरसाइज। दिस इज एक्सरसाइज ऑन इडियम्स एंड फ्रेजेस। पहला है कॉल द शॉट्स। समझ सकते हैं कॉल द शॉट्स, अगर आपको याद हो गया होगा, टू बी इन चार्ज, ये होगा। तो कॉल द शॉट्स का हो जाएगा आपका बी इन चार्ज, यानी प्रभावी होना, किसी चीज की निगरानी रखने वाला जो व्यक्ति है वो कॉलिंग द कॉल द शॉट्स करता है। नेक्स्ट है आपका है ईगल आईज, है ईगल आईज याद हो गया, कौन सा व्यक्ति होता है ईगल आईज, वो होता है जो किसी चीज पर क्लोजली वॉच करता है। क्या हो जाएगा आपका, ये क्लोज ऑब्जर्वर हो जाएगा। क्लोज ऑब्जर्वर वो व्यक्ति है जो किसी चीज को गहनता से ध्यान से देखता है। और ये लास्ट आपके तीन चार पांच है। तीसरा है डेमोकल्स शोर, याद हो गया होगा आपको, डेमोकल्स शोर मींस आसन्न खतरा, जो खतरा हमेशा आपके ऊपर बना हुआ रहता है वो आपका डेमोकल्स शोर है। ये हो जाएगा कॉन्स्टेंट थ्रेट या
इमिनेंट पेरिल मीन्स कोई खतरा जो निरंतर हमारे आपके ऊपर बना हुआ हो वह डेमोकल्स सोर्ड है। सेकेंड लास्ट है अ बी हाइव। अ बी हाइव याद हो गया, अ वेरी बिजी प्लेस, यानी ये हो जाएगा अ वेरी बिजी प्लेस। और लास्ट है आपका बैक बर्नर, याद हो गया, बैक बर्नर मीन्स एन इनसिग्निफिकेंट इशू आर मैटर, तो क्या हो जाएगा ये इनसिग्निफिकेंट इशू। ये आज के पांच idioms एंड phrases हैं आपके, जो आप एग्जाम्स में यूज कर सकते हैं, मेहनत करेंगे आपको तैयार हो जाएगा। और ऐसे धीरे धीरे सारे कई सौ आपके ये चीजें तैयार मैं करा दूंगा, बस आप बिलीव रखें, विश्वास करें, ये चीजें रेगुलरली आपको मिलती रहेंगी। हर रोज करीब करीब मैं कोशिश करूंगा एक आपको एक सेट आपको दिया जाए। ये अलग अलग सेट्स हैं, एक शीट में कम से कम नहीं तो 25 के आसपास idioms एंड phrases आपको मिल जाएंगे। तो ये मेरा शीट वन का सेट वन अभी चल रहा है, इसे 2, 3, 4, 5 हो जाएगा, आप तैयार करते रहें। कल मैं क्या करूंगा, कल इकट्ठा पूरा, यानी जो शीट वन का सेट फर्स्ट सारे दिए गए हैं उनको सारे एक साथ मैं कर दूंगा। यानी जो पहला आपने सुपरफ्लुअस एग्जांपल्स पढ़ा था, जो दूसरा आपने प्रीपोजिशंस पढ़ा था, तीसरा आपने लॉजी एंड स्टडी वर्ड्स पढ़ा था, चौथा जो आपने कल फ्रेजल वर्ब्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, और आज जो आपने idioms एंड phrases पढ़े हैं उन्हें विद एक्सरसाइज में एक साथ कर दूंगा। जिस बच्चे का छूट गया होगा वो पूरा एक साथ देख सकता है, और जो बच्चे पढ़े यहाँ पे वीडियो पे वो बच्चे निश्चय चाहे पूरा एक साथ क्या कर सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं, उतना तैयार कर सकते हैं। तो तैयार रहेगा कल के लिए, एक साथ सारा आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।